नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर, जो कि हमारे बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का चतुर्थ प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र की जो इकाई द्वितीय है, जो कि भाषा विकास को लेकर है। और इसी इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वह है उच्चारण दोष को लेकर। साथियों, उच्चारण संबंधी दोष बालकों में किस प्रकार से आ जाते हैं, कि उच्चारण संबंधी जो दोष होते हैं वो बालकों में किस प्रकार से आते हैं, और इन उच्चारण संबंधी दोषों को लेकर हम बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है वो उच्चारण अशुद्ध उच्चारण के कारणों को लेकर है। तो सबसे पहले साथियों, हम इस बात पर चर्चा करेंगे उच्चारण अशुद्धता होती क्या है। साथियों, जैसे हमारा देश हिंदी भाषी देश है, यहाँ सभी राज्य हमारी एक सभी राज्यों की राजभाषा जो है वो हिंदी है, तो राजभाषा के रूप में मान्यता तो मिल गई है। लेकिन जैसे हिंदी की वर्णमाला है तो उसको शुद्ध रूप से जो उच्चारण किया जाता है वह केवल और केवल उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके शुद्ध रूपों का उच्चारण सभी वर्णों का स्वरों का सही रूप में और शुद्धता के साथ में उच्चारण किया जाता है। लेकिन अन्य प्रदेशों में या राज्यों में उच्चारण शुद्धता के साथ में नहीं किया जाता है। तो वो उच्चारण की अशुद्धता क्यों आती है, तो क्या होता है कि क्षेत्रों की विभिन्नता के साथ साथ में उनमें उच्चारण की अशुद्धता भी आ जाती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बंगाल का व्यक्ति है, वो वर्णमाला की जो से वर्ण है का को बोलेगा को खो गो, इस तरह से बोलेगा। और ठीक उसी प्रकार से कोई पंजाब का, जैसे कोई पंजाब का व्यक्ति है तो अपने उसको अलग उसमें बोलने की कोशिश करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि कोई राजस्थान का व्यक्ति है तो क को कानी कहकर के बोलेगा, के खे गे, इस तरह से बोलेगा। तो कहीं ना कहीं भाषा में वो सारी बातें आ जाती हैं। तो भाषा को इन उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किस प्रकार से किया जाए, और इन दोषों में दोषों को दूर समझ कर इन दोषों को दूर करने के लिए जैसे हम इन दोषों को दूर करें, तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि प्रदेश विशेष की अपनी जो भाषा या जो उनकी स्थानीय बोली या फिर जो भाषा है उसको हिंदी भाषा के साथ में उच्चारण करते हैं, तो उनकी भाषा में कहीं ना कहीं एक अंतर पाया जाता है। तो उच्चारण की अशुद्धता के बारे में उनको बताया नहीं जाता। जैसे पंजाब के कोई व्यक्ति का को उच्चारण करेगा तो का खा गा, इस तरह से। वहाँ पर से हम किसी का नाम जैसे है इंद्र, तो हम इंद्र न पढ़कर वहाँ पर पंजाब के व्यक्ति को इंद्र बोलेंगे। तो ये उच्चारण संबंधी दोष क्यों आते हैं और इनके कारण क्या हैं, तो आइए साथियों हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि अशुद्ध उच्चारण उसके मतलब अशुद्ध जो उच्चारण कर रहे हैं वो भी विभिन्न प्रदेश के जो लोग हैं, तो उसमें वो कहीं ना कहीं उनका सामाजिक वातावरण का अंग बन गया है। और उसमें कोई इस मैंने देखा कई बार कि भाई इस बारे में सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकारों की तरफ से उच्चारण की शुद्धता को लेकर कोई भी विशेष प्रयास या ठोस कार्य नहीं किए गए हैं, और उस उच्चारण संबंधी दोष हमेशा इस भाषा को लेकर हिंदी भाषा को लेकर बने रहते हैं। तो साथियों, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको सही रूप में उच्चारण करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए या इस बात को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं जो कि अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या है। तो पहला कारण साथियों यहाँ पर है पारिवारिक अथवा सामाजिक वातावरण का प्रभाव। साथियों, पारिवारिक बल का विकास पारिवारिक का कारण भी भाषा पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कि बालक का जो भाषाई विकास तभी हो पाएगा जब उसके परिवार में भाषा का शुद्ध रूप उच्चारित किया जाता होगा, या भाषाई विकास उसके परिवार में प्रबल होगा। माता पिता घर के सारे परिजन पढ़े लिखे हैं, आस पड़ोस में परिवार में भाषा का माहौल अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो बालक में भाषाई विकास भी एक अच्छे और एक शुद्ध रूप में हो सकेगा। लेकिन बालक ठेठ या देहाती में रहने वाला बालक है, उस परिवेश में पढ़ने वाला बालक है, तो कहीं ना कहीं उस बालक में भाषा की अशुद्धता आना स्वाभाविक है। तो वातावरण सामाजिक वातावरण का प्रभाव भी बालकों को अशुद्ध उच्चारण की ओर ले जाता है। उसके बाद है उच्चारण में असावधानियां। साथियों, यहाँ पर ये बात डिपेंड करती है या निर्भर करती है कि
की उच्चारण में असावधानियां। तो बहुत से शिक्षक जब भाषा को पढ़ाते हैं तो केवल उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक ही अपना दायित्व समझते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में जो प्रारंभिक अवस्था या प्राथमिक अवस्था में जब बालक प्रथम क्लास या द्वितीय या तृतीय में आता है तो उसके उच्चारण संबंधी ध्वनियों को लेकर कार्य करना चाहिए। जबकि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाता है या फिर ये होता है कि शिक्षक बिल्कुल उदासीन रहता है उस और भाषा में पाठ्यक्रम या वर्णों को लेकर विशेष ध्यान नहीं देता है, जिसमें जिसके कारण बालकों में अशुद्ध उच्चारण आ जाता है या फिर बालकों में अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसे दूर करने का प्रयास अध्यापक को करना चाहिए। तो तीसरा जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है वर्णों का गलत उच्चारण। साथियों, वर्णों का गलत उच्चारण भी एक कारण है अशुद्ध उच्चारण का, कि वर्णों को किस वर्ण को कैसे उच्चारित किया जाता है। जैसे कि हम हिंदी में नासिक के ध्वनि को हम या अनुनासिक या नासिक का जो उच्चारण करते हैं तो अधिकतर हिंदी शिक्षक या हिंदी पढ़ने वाले उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने देखा न को अणों को न पढ़ेंगे और न को भी न पढ़ेंगे, तो ये उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। तो शिक्षक को इन संबंध बालक यदि दोष की वाणी में दोष आ गया है या पढ़ने लिखने में दोष आया है तो अध्यापक को उसको तुरंत रोकना चाहिए और उसको शुद्ध उच्चारण करने की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। जब तक अध्यापक इस प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति को न अपनाएगा तब तक भाषा में जो दोष हैं बने रहेंगे और बालक आगे चलकर उस दोषों के साथ में बनता रहेगा। साथियों, कई बार हम ग्रामीण परिवेश के बालक हैं जो च और स इन दोनों को समान रूप से ही च और स इन दोनों को कोई विभेद अंतर नहीं कर पाता, स को बोलेगा च और च को बोलेगा स। तो जैसे समाचार को समाचार पढ़ेंगे, चम्मच को सम्मच सम्मच पढ़ेंगे, सम्मच पढ़ेंगे, इस तरह से वाणी में मतलब ग्रामित्व दोष आता है। हम जब काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें काव्य दोष में जो ग्रामित्व दोष आता है वो वहां पर आ जाता है वाणी में। तो ये हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक का जो एक नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे दायित्वों को ऐसे दोषों को उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करके उस बालक को सही एवं सही दिशा निर्देश देकर एवं दिशा निर्देशों के माध्यम से शुद्ध उच्चारण की ओर उन्मुख करें। उसके बाद में यहाँ पर है अक्षरों और मात्राओं के ज्ञान का अभाव। अक्षरों और मात्राओं के ज्ञान का अभाव, साथियों कई बार शिक्षकों को या पढ़ाने वाले अन्य किसी शिक्षक या आचार्यों को मान सकते हैं कि उनको अक्षरों और मात्राओं का एक पर्याप्त ज्ञान नहीं है, क्या ज्ञान नहीं है, इसलिए भी उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं। उसके बाद आता है देश प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय भेद। देश प्रांतीय क्षेत्रीय भेद भी इसका कारण है और क्योंकि उनकी अपनी भाषा होती है इस कारण दोष आ जाते हैं। तो साथियों, प्रांतीय और विभिन्न देशों की अपनी अपनी भाषा के कारण भी उनके शब्द उस भाषा में मिश्रित हो जाते हैं जिसके कारण भाषा में उच्चारण संबंधी दोष देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।